नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बता रही हूँ मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही सॉफ्ट सी और बिना दूध की आइसक्रीम। इसको हम बिना दूध के, बिना क्रीम के, बिना मलाई के बना रहे हैं। ये बहुत सॉफ्ट भी बनती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से आप इसे तैयार कर सकते हैं। खाने में ये बहुत स्वादिष्ट है, व्रत में भी आप खा सकते हैं इसे। और इसके अंदर बहुत सॉफ्टनेस है। तो अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी आपका मन करे आपके घर में दूध ना हो तो इस तरह से आप, और आप चाहे जो एसेंस मिला सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसमें वनीला एसेंस दिया है, आप और भी रोज एसेंस डाल सकते हो, केवड़ा एसेंस डाल सकते हो, केसर का एसेंस, बहुत सारे हमारे जो फ्लेवर होते हैं वो आप डाल करके बना सकते हो। तो आइए आज की वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आइसक्रीम बनाने के लिए हमने ये एक छोटा मग, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी है लगभग 25 ग्राम साबूदाना लिए हैं और इनको हम पानी में भिगो देंगे। दो घंटे तक हम इन्हें भीगने देते हैं। हम इनका ये पानी निकाल देते हैं और दूसरा साफ पानी डाल करके और इसे भीगने के लिए रख देंगे। तो ये जो पानी था वो हमने निकाल दिया है और साफ पानी हमने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इन्हें दो घंटे तक भीगने देते हैं। आप देख सकते हो इसको भिगोए हुए दो घंटे हो गए हैं और ये फूल भी गए हैं, अच्छे से फूल गए हैं ना। तो अब हम इनको बॉईल कर लेते हैं। तो ये मैंने एक कढ़ाई टिकाई है और इसके अंदर ये भीगे हुए साबूदाने डाल देते हैं। इसको हम लगभग चार से पाँच मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे। अभी गैस का फ्लेम हाई है, जब तक कि इसमें उबाल नहीं आता है, जब इसमें उबाल आने लगेगा तो गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे। तो आप देख सकते हैं साबूदाने में उबाल आ रहा है। तो अब हम स्लो गैस पे इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम है वो स्लो कर देते हैं। जब तक हमारी साबूदाने बॉईल हो रहे हैं तब तक हम एक दो बाउल लिए मैंने, एक के अंदर मैं एक चम्मच ये मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर लिया है मैंने और इस चम्मच से मेजर किया है मैंने। इसको मैं पानी डाल करके और इसका घोल तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी यूज कर रही हूँ और ये हम इतना पानी डालेंगे और इसको अच्छे से घोल लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है। दूसरे बाउल में एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, ये है कॉर्नफ्लोर, इसका भी हम हल्का सा जो गर्म सा पानी है उससे हम बैटर तैयार कर लेते हैं, घोल लेते हैं इसको भी। दोनों हमने घोल तैयार कर लिए हैं। ये मिल्क पाउडर है, ये आप देख सकते हैं अमूल का मिल्क पाउडर और ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इस तरह से आता है, मैदे टाइप का होता है और ये बाइंडिंग में काम आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो साबूदाने हैं वो पक चुके थे, तो मैंने गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दिया था। अब साबूदाने तैयार है बिल्कुल पक करके। दूसरी तरफ हम दूसरी पैन टिकाएंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना ये जो मिल्क पाउडर है वो, और जो कॉर्नफ्लोर का हमने घोल बनाया हुआ है वो, दोनों को हमने डाल दिया है। और अब हम इनको अच्छी तरह से इस तरह से बॉईल कर लेंगे, पका लेंगे। तो ये देखिए बैटर इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। बैटर गाढ़ा हो जाता है तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। ये भी हमारे पक करके तैयार है, तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। जब तक कि ये ठंडे नहीं हो जाते हैं तब तक हम वेट करते हैं। तो बैटर हमारे ठंडे हो गए हैं तो हम इन्हें डाल देते हैं एक जार के अंदर। तो ये मैंने लिया है जार
और इसके अंदर डाल देंगे ये बैटर, ये साबुदाने का बैटर है, और ये है कॉर्नफ्लोर का और अमूल मिल्क पाउडर का। सभी को हमने डाल दिया है। अब तो हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इस तरह से जो हमारा बैटर चिपका हुआ है उसको हम इस तरह से पानी से इसको निकाल लेंगे, चिपके हुए बैटर को, और ये पानी हम डाल देंगे जार के अंदर। तो ये पानी हम डाल देते हैं जार के अंदर। तो हम अपने बैटर को ग्राइंड कर लेते हैं। तो बैटर को हमने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा बैटर तैयार है जमने के लिए। तो अब हम इसके अंदर मिलाएंगे पीसी हुई चीनी। तो यहाँ भी मैं मिला रही हूँ एक बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी, और इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और साथ ही साथ में हम मिलाएंगे ये देखिए चेरी, थोड़ी सी मिलाएंगे हम वनीला एसेंस, इसके साथ ही मिलाएंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स और सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी को मिलाने के बाद हम अपनी बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। बचे हुए बैटर को हम इसी तरह के दूसरे बाउल में भर देंगे। थोड़ा सा और हम इसके अंदर ये लगा देते हैं। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे थोड़े से, और फिर थोड़ी सी हम ऊपर से टूटी फ्रूटी और डालेंगे। तो ये मैंने इस तरह से इसमें, अब हम इसे जमने के लिए रख देते हैं। देख सकते हो हमारी जो आइस है वो जम करके तैयार है, और ये देखिए कितनी बढ़िया जमी है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी बर्तन के अंदर। तो चाकू से हम इसके कॉर्नर लूज कर लेंगे इस तरह से, चाकू लगा करके, और इसके जो कॉर्नर है वो लूज कर ले। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके कॉर्नर को लूज कर लिया इस तरह से चाकू डाल करके। आप थोड़ा सा इसको इस तरह से कीजिए, ये जो कॉर्नर है वो लूज हो जाएंगे इसके। इस तरफ से इसके किया, इसको इस तरह से कर दिया। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। वाह देखिए कितनी बढ़िया हमारी आइसक्रीम बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक है और कितनी ये बढ़िया बन करके तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है। इसको कट करके दिखाते हैं आपको कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आप इस तरह से देखिए चाकू की सहायता, ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बनी है। तो हमारी कितनी बढ़िया आइसक्रीम जम करके तैयार हुई है, बिना दूध की आइसक्रीम है, और इसे आप जमा करके अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप भी अपने घर पे बर्फ जमाएं, खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू तो ये है वो आइसक्रीम जिसको हमने बिना दूध के बनाया है, जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आइए देखते हैं ये कितनी टेस्टी। ये देखिए ये है ना, इसको इस तरह से लीजिए, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। आप देख सकते हो जो इसकी साइड कॉर्नर है इसको आप इस तरह से करेंगे, ये देखिए किस तरह से ये जो घुल रही है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको इस तरफ से दिखा रही हूँ, ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल